हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैगन। वेलकम टू मुकेश मैगन यूट्यूब चैनल। अगर आप एक फोटो एडिटर हो या फिर एल्बम डिजाइनर हो तो आपके साथ में हमेशा से एक प्रॉब्लम आती होगी। जब भी आप एडिटिंग कर रहे हो तो और कोई भी टूल जब सिलेक्ट करते हो तो उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं और धीरे धीरे फोटोशॉप का इंटरफेस भरने लगता है और बहुत मतलब खिचड़ी मच जाती है। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है कि इस तरीके से आप अपने फोटोशॉप के इंटरफेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो रीटचिंग के लिए, एल्बम डिजाइनिंग के लिए और डिजाइन के लिए किस तरीके से अलग अलग इंटरफेस खुद के हिसाब से बना सकते हो, ये मैं आज के इस वीडियो अंदर बताने वाला हूं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप को ओपन करना है और यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में जाना है और यहाँ से फोटोग्राफी सिलेक्ट करना है। हमेशा आपको याद रखना है, अगर आप एक फोटो एडिटर हो या फिर डिजाइनर हो तो यहाँ पे अलग अलग इंटरफेस होते हैं। अगर आप पेंटिंग यूज कर रहे हो तो यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो ऊपर हो जाएंगे। तो अगर आप इसको ओपन रख रहे हो और आपको कोई भी टूल नहीं मिल रहा है तो आप विंडोज़ के अंदर से उस टूल को लोगे, फिर वापस उस टूल के अंदर आप एडिटिंग करोगे, फिर एडजस्टमेंट इधर उधर करोगे, वो तो सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ से फोटोग्राफी लेना है और यहाँ से आपको रिसेट फोटोग्राफी कर देना है ताकि फोटोग्राफी सेक्शन के लिए जो जो टूल्स लगते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। बट इसमें से भी आपको उसी टूल को सामने रखना है जिसको आप यूज़ करने वाले। फॉर एग्जांपल, मैं एक एल्बम डिजाइनर हूँ तो मैं मेरे वर्कस्पेस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगा और किस तरीके से उसको सेव करके रहूंगा। देखिए, अब एल्बम डिजाइनिंग के लिए हिस्टोग्राम ज़्यादा नहीं लगता, डिजाइनिंग के लिए बोल रहा हूँ, कलर करेक्शन के लिए नहीं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ और यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। नेविगेटर को भी हटा रहा हूँ, यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। लाइब्रेरी को भी हटा रहा हूँ, यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। अब मुझे पर्सनली एल्बम डिजाइनिंग करते टाइम पे ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन लगता है, उसी के साथ साथ एक्शन भी लगता है। तो ये एक्शन को भी मैं यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ। उसके बाद में आपको पता है कि लेयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेयर भी लगता है। तो इस लेयर को मैंने ड्रैग करके यहाँ पे रख लिया। अब बाकी जितने भी ऑप्शन है ये मुझे नहीं लगते, तो इसको मैं साइड में करके इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी ये जो सामने दिखाई दे रहा है मुझे सिर्फ इतने ही टूल लगते हैं। इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। हिस्ट्री टूल एक लगेगा। अब यहाँ पे मैंने जो भी चेंजेस करे हैं वो एल्बम डिजाइनिंग से रिलेटेड करे हैं। एल्बम डिजाइनिंग के लिए मुझे सिर्फ इतने ही टूल्स लगते हैं। अब मैं इसको सेव कैसे करूँगा? वापस यहाँ पे वर्कस्पेस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे न्यू वर्कस्पेस पे क्लिक करूँगा। पहले कस्टमाइज कर लिया है, न्यू वर्कस्पेस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं नाम डाल रहा हूँ एल्बम डिजाइन। ओके, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो अभी मैंने एल्बम डिजाइनिंग के लिए वर्कस्पेस तो बना दिया। अब समझो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए क्या क्या लगेगा? आपको कलर्स लगेंगे, ब्रशेस लगेंगे, ठीक है। तो मैं विंडोज़ के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से ब्रशेस ले लेता हूँ, तो ब्रश भी आ गए, ठीक है। इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद में मुझे ब्रश के साथ साथ ग्राफिक डिजाइन के लिए टेक्स्ट भी लगेंगे, तो कैरेक्टर टूल ये भी मैं ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे मैं साइड में रख लेता हूँ। ओके, देखिए तो ये टूल मैंने सारे ओपन कर लिए। अब ये जो वर्कस्पेस है ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मैंने बनाया है। अब मैं इसको भी सेव करके रख लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, न्यू वर्कस्पेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका नाम देता हूँ ग्राफिक डिजाइन। और भी लगता है बट मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कस्टमाइज करके सेव करना है। ये मैंने सेव कर दिया। तो अब मैंने एल्बम डिजाइनिंग के लिए भी वर्कस्पेस बना दिया है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी बना दिया है। अब समझो मैं स्क्रीन का रिटचिंग करता हूँ तब मुझे क्या लगता है? तब मुझे कुछ नहीं चाहिए स्क्रीन के ऊपर ताकि मैं पूरे स्क्रीन के ऊपर फेस को ओपन करके रिटच कर पाऊँ, तो उस टाइम पर मुझे सिर्फ टूल बार लगेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इन सारे टूल्स को क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हिस्ट्री का ऑप्शन एक लगेगा, अब मैंने सब बंद कर दिया। बट ये इंटरफेस मुझे कब लगेगा? स्किन रिटचिंग के लिए लगेगा। तो अब मैं वापस वर्कस्पेस के अंदर जा रहा हूँ, न्यू वर्कस्पेस, और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ स्किन रिटचिंग। ओके, तो फाइनली हमने तीन अलग अलग वर्कस्पेस बना लिया। अब इसका फायदा क्या है? अब समझो नेक्स्ट टाइम मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, कोई भी पोस्टर वगैरह डिजाइन करना है, तो मैं विंडोज़ के अंदर से सारे टूल्स को ओपन नहीं करूंगा। अब मैं सिंपली वर्कस्पेस के अंदर जाऊंगा और ग्राफिक डिजाइन सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे आया नहीं है तो मैं रिसेट ग्राफिक डिजाइन कर देता हूँ। ग्राफिक डिजाइन के लिए जो जो मैंने सेटिंग लगाई थी वो आ गई। अब मैं यहाँ से एल्बम डिजाइन के अंदर जा रहा हूँ, फिर यहाँ से रिसेट एल्बम डिजाइन कर लेता हूँ। एल्बम डिजाइनिंग के लिए जो हमने बनाया था वो सारी चीज़ें आ गई। अब आपको वापस वही चाहिए जो फोटोग्राफी के अंदर था, तो यहाँ से मैं फोटोग्राफी के अंदर जाऊँगा और यहाँ से रिसेट फोटोग्राफी कर दूंगा। तो फोटोग्राफी के लिए मतलब फोटो एडिटिंग के लिए जो जो टूल थे वो यहाँ पे आ चुके। तो इस तरीके से आपके काम के हिसाब से आपको जो टूल्स लगते हैं उसका आप एक अलग से इंटरफेस या सॉरी वर्कस्पेस बना सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको टॉपिक बहुत ईजिली समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप फोटोशॉप बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप हमारे
ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या फिर कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।